अच्छा, आप लोगों ने मदर इंडिया पिक्चर जरूर देखी होगी, जिसमें एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए किस तरीके से मुसीबतों परेशानियों को झेलती हुई जिंदगी से जद्दोजहद करती है। वो रियल लाइफ की मदर इंडिया थी, रियल लाइफ की मदर इंडिया थी, और आज हम आपको रियल लाइफ की मदर इंडिया दिखा रहे हैं। ये है राधिका देवी, इनकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल होगी। पैर में ऑपरेशन होना है, लेकिन लगड़ाते हुए बचकते हुए भी ये अपने बच्चों की जीविका चलाने के लिए, मतलब अपने पोतों की जीविका चलाने के लिए ठेला लगाती हैं एक स्कूल के सामने। इनका जवान लड़का था वो खत्म हो गया और इनकी बहू इनके साथ रहती है। मैं बहू की भी दाद देनी चाहूंगी कि आज के दौर में जब सास बहू का इतना झगड़ा होता है, आज बहू भी इनके साथ है और वो इनके परिवार में कमाने वाला नहीं है। ये बच्चियां हैं, इनकी पोतियां, और ये छोटे छोटे बच्चों को ये बेचती है, ये मैं दिखा रहा हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उनको, मैं सलाम करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को। इनकी वीडियो इसलिए दिखानी चाहता हूँ कि सहानुभूति नहीं चाहिए, ये इनको हौसला चाहिए। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरे भदोही के जितने भी लोग ये वीडियो देखें, उनकी मदद को आगे आए। कम से कम ये प्रेरणा है लोगों के लिए कि आज 70-75 साल की उम्र में ये ठेले पर बच्चों के लिए चॉकलेट, ये देखिए चॉकलेट और टाफियां बेचकर अपने घर को पाल रही है। इनके पति का भी देहांत हो चुका है और इनके जवान बेटे का भी देहांत हो चुका है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर या करने के लिए तो नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा भदोही के लोग जो मेरी बात देख रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे अभी मैं बहुत बात करूंगा मदद के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें 10 तरीके के लोग बात करते हैं, मैं भदोही के लोगों से स्पेशली। लेकिन इनमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, इनमें एक इंसान है जो की जिंदगी से संघर्ष कर रहा है, एक बुजुर्ग औरत है जिसमें माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। आप सबको देख सकते हैं ये आंसू, ये दिखा रहे हैं कि जिंदगी से किस तरीके का संघर्ष चल रहा है।